राहुल ने बताया बीजेपी को हराने का पूरा प्लान। 2024 में मोदी को हराने के लिए बनाई गई रणनीति, पुराने तरीके से अब नहीं मिलेगी सफलता। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा शुरू हो गया है और ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि इसे लेकर भारत में हंगामा होगा, क्योंकि राहुल विदेश में जो कुछ भी कहेंगे उसे ग्लोबल मीडिया कवरेज देगा और उसकी गूंज भारत तक सुनाई देगी। राहुल ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिलिकॉन वैली कैंपस में दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। इनमें एक पीएम मोदी जी भी हैं। उन्हें लगता है कि वे हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। मोदी जी तो भगवान को भी समझा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। भगवान भी कहेंगे कि ये मैंने क्या बता दिया। मोदी जी वैज्ञानिक को विज्ञान के बारे में और इतिहासकार को इतिहास के बारे में भी समझा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की राजनीति बदल रही है। पहले जिस तरह रैली और जनसभा के जरिए नेता जनता से कनेक्ट होता था, आज वो सब काम नहीं कर रहा है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। राहुल ने कहा कि बीजेपी की कमजोरियां मुझे साफ नजर आती हैं। एक राजनेता के रूप में मैं स्पष्ट रूप से बीजेपी की कमजोरियों को देख सकता हूँ। अगर विपक्ष ठीक से गठबंधन करता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है, और जहां तक विपक्षी एकता की बात है, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता से कहीं ज्यादा जरूरत है। मेरी राय में सिर्फ विपक्ष की एकता काम करने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको भाजपा के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की जरूरत है, लेकिन विपक्ष को साथ लाना और भारत के लोगों को यह समझाना भी जरूरी है कि विपक्षी दलों का यह सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि देश को आगे बढ़ाने का एक प्रस्तावित तरीका है और हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं। अगर आप कर्नाटक चुनाव देखें तो सामान्य समझ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दी और उसे हराया, लेकिन जो बात अच्छी तरह से नहीं समझी गई वो तरीका है जिनका इस्तेमाल किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाया। कर्नाटक में जीत की नींव भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रखी गई। राहुल ने भारतीय मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया एक ऐसे राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना पसंद करता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। चीजों को बहुत तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट हो गया कि इन चीजों को दिखाना मीडिया के हित में है, इससे भाजपा को मदद मिलती है। इसलिए ये मत सोचिए कि मीडिया में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सच है। भारत वो नहीं है जो मीडिया दिखाता है। मीडिया को एक विशेष कहानी दिखाना पसंद है। वो एक ऐसी राजनीतिक कहानी को बढ़ावा देना पसंद करता है जिसका भारत की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने कहा कि बीजेपी लोगों को धमका रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस तरह का दृष्टिकोण बनाने की दिशा में यह पहला कदम है। ये वो दृष्टिकोण है जिससे सभी विपक्षी दल जुड़े हैं। कोई भी विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा के विचार से असहमत नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा भारत को एकजुट करने के मकसद से गांधी के नेतृत्व में चलाया गया जन आंदोलन था। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 12 राज्यों से होते हुए 31 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई थी। पीएम पद के सवाल पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और पार्टी में सभी को कहने की आजादी मिली हुई है। साफ राहुल गांधी का इशारा बीजेपी की ओर था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी में अब नेता खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दनौदर पंडित न्यूज़।